हिमाचल प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ ने आज नाहन में एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया, जिसमें 2003 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाल करने व विद्युत कर्मियों के लिए स्थायी नीति बनाने जैसी मांगों पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कामेश्वर कुमार ने की। बैठक में जिला भर से आए विद्युत कर्मियों ने भाग लिया और अपनी लंबित मांगों पर विस्तार से मंथन भी किया। इसी को लेकर संघ के महासचिव हीरा लाल वर्मा क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। महासचिव एच के सिंह साहब, आज हमारा नाहन में जो कन्वेंशन है ये जिला नाहन का है और इसमें हमारे मुख्य मुद्दे एक तो जो बिजली बोर्ड में स्मार्ट मीटरिंग हो रहे पूरे प्रदेश में, हम स्मार्ट मीटरिंग को लेकर कन्वेंशन कर रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है स्मार्ट मीटरिंग आज प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से ठीक नहीं है। इससे लगभग अतिरिक्त 2600 करोड़ का बोझ बिजली बोर्ड पर पड़ेगा जिसका सीधा सीधा नुकसान प्रदेश के कंज्यूमर्स को होगा। इसके अलावा हमारी डिमांड इस कन्वेंशन के माध्यम में है, जो हमारे बिजली बोर्ड में कर्मचारी 2003 के लगे हैं उनको पुरानी पेंशन बहाल की जाए। तीसरी डिमांड हमारी जो आज की डेट में है, आज एक ब्यूरोक्रेट जो हमारे अफसरशाही राज्य की है उसमें एक चर्चा चली है कि बिजली बोर्ड से ट्रांसमिशन और जनरेशन को लग किया जाए। हमारा मानना है अगर ट्रांसमिशन जनरेशन आज बिजली बोर्ड के पास है उसका फायदा सीधा सीधा प्रदेश के बिजली उपभोक्ता को मिल रहा है। अगर इसको लग किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके 2.5-3 गुना बिजली दरें बढ़ेगी। इसलिए प्रदेश में जितने कर भी ऑफशोर के कर्मचारी लगे हैं उनके लिए एक स्थायी नीति बनाई जाए ताकि उन महकमे जहां लगे हैं अपनी सेवाएं दे रहे हैं वहां उनका समायोजन हो सके।